आज बनाएंगे टमाटर की ऐसी यूनिक रेसिपी, कुछ हटके, बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त, जो आप एक बार खा लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। इसके लिए दोस्तों, इस यूनिक रेसिपी के लिए आपको दो टमाटर चाहिए और उनको आपको ऐसे स्लाइस कर लेना है। ये स्लाइसेस ना ज़्यादा मोटी हों ना ज़्यादा पतली हों, अप्रोप्रिएट साइज़ की होनी चाहिए, यानी कि एक मीडियम टमाटर में से आप 6 से लगभग 5 स्लाइसेस निकाल लें उतना काफ़ी होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे लगभग एक टमाटर की स्लाइसेस हमने निकाल ली हैं और ऐसे ही हम फटाफट झटपट दूसरे टमाटर की भी स्लाइसेस को निकाल लेते हैं। स्लाइसेस को एकदम परफेक्ट शेप में रखेंगे तो उतना ही खूबसूरत और उतना ही टेस्टी बनेगा इस रेसिपी का अंत। तो चलिए देखते हैं, हमने दोनों टमाटर की स्लाइसेस फटाफट से निकाल ली हैं और उसके बाद हमने आगे क्या करना होगा। दोस्तों ध्यान रखिए, जो टमाटर आप लें वो देसी हो। जो बॉम्बे वाला टमाटर है वो थोड़ा सा खटास कम होती है उसमें, तो मज़ा कम आता है, कलर ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन देसी वाले में जो खटास आती है वो इस रेसिपी को बहुत ही बढ़िया बना देती है। तो चलिए, हमने दोनों टमाटर्स की स्लाइस आउट कर ली है, तो अब ले लेते हैं एक बोल और उसमें डालेंगे लगभग 1 कटोरी बेसन की और आधी के आधी कटोरी आटे की। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। आप चाहें तो थोड़ा मैदा भी ले सकते हैं आटे की जगह, लेकिन आटा ही बेहतर रहेगा। थोड़ा नमक डालें स्वाद अनुसार, साथ ही में ऐड करें थोड़ी सी देगी मिर्च रेडिश कलर के लिए, हल्की सी हल्दी बहुत ही चुटकी भर, और चुटकी भर हमें काली मिर्च इसमें ऐड करनी है। इसको ड्राई में ही मिक्स करें, गीला ना करें, उससे क्या होता है लम्स बन जाते हैं। पहले अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो सारी चीज़ें मिक्स बढ़िया हो जाती हैं। अब डालें दोस्तों पानी, और पानी 2 बार में डालें। पहले एक बार आधा डालें, इससे क्या होगा जो लम्स हैं वो नहीं बनते हैं, जो बेसन है उसमें लम्स होने के डर रहता है, लेकिन थोड़ा पानी डालते हैं तो एक डो टाइप बन के तैयार होता है जिसकी वजह से लम्स इसमें नहीं बनते हैं। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी पानी ऐड करने से पहले हम थोड़ी सी धनिया को चॉप कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्ची को भी चॉप कर लेंगे। इन दोनों का स्वाद और कलर दोनों ही बहुत बढ़िया आएगा। जो हम ये टमाटर की रेसिपी बना रहे हैं इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक स्वाद आने वाला है। तो चलिए, दोनों के दोनों हमने काट लिए हैं तो इसको फटाफट से ट्रांसफ़र कर देते हैं उस जार में जहाँ हम ये घोल तैयार कर रहे थे, और अब डालेंगे इसमें पानी बचा हुआ, इसीलिए हमने 2 बार में पानी डाला था और लम्स भी नहीं बने। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और आपको बताते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ किस तरीके की होनी चाहिए। आप पानी घटा बढ़ा सकके इस तरीके की कंसिस्टेंसी पे इसको लेके आ सकते हैं, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें कुछ चाहिए होगी। अब दोस्तों एकदम एंड टाइम में हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर बस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फटाफट से इसको मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ हम एक पैन रखने वाले हैं, तो चलिए पैन रख लेते हैं। पैन कुछ इस शेप का हो तो बेहतर रहेगा, इससे बढ़िया ये चीज़ बनके, बढ़िया रेसिपी बनके तैयार होती है। तो ये पैन रखा, गैस को ऑन करा मीडियम आंच पे और इसकी अच्छे से हमने ऑयलिंग कर लेनी है। आप ब्रश की, चम्मच की, किसी भी चीज़ की मदद से इसकी ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयल ना ज़्यादा रखें ना बिल्कुल कम रखें। तो चलिए ऑयलिंग कर ली। अब दोस्तों जो हमने टमाटर स्लाइस करके रखे थे उन टमाटरों को इस पर परोसते हैं। आपको ऐसे परोसना है कि इनमें थोड़ा थोड़ा गैप रहे, ज़्यादा गैप ना रहे, और ये एकदम सर्कुलर फॉर्म में हो। इसी पैन के साइज़ का फॉर्म का रखा है हमने, इसी पैन के साइज़ में हमें इसको सर्कुलर फॉर्म में लगा लेना है, सजा लेना है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इनको पकाना है एक साइड से और फिर इनकी साइड बदलनी है आधे मिनट के बाद। इनको लाल रोस्ट नहीं करना, लेकिन हाँ हल्का पका लेना है ताकि ये कच्चा कच्चा फील ना दे अंदर वाली साइड से। तो चलिए, हमने इसको एक साइड से फटाफट से पलट लेना है। और उसके बाद दोस्तों, अभी जो हमने मिश्रण बना के तैयार करा था बेसन आटे का मसाला डाल के, वो मिश्रण हम इसमें फटाफट से ऐड कर लेंगे। तो चलिए, इसकी साइडें पलट गई हैं, टमाटर एक साइड से ठीक ठाक पक चुका है, तो फटाफट से उस मिश्रण को ले आते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हटके रेसिपी है। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, उस मिश्रण को ऐड करने से पहले इसमें ऑयलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये चिपके नहीं इस साइड से। चलिए, ये आ गया हमारा ऑयल और इसको फटाफट से हम डाल देते हैं इस मिश्रण को इसी के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है दोस्तों। अभी इतना परफेक्ट शेप में तैयार होने वाला कि आप एक बार इसे देख के बेहद ही ज़्यादा खुश होंगे कि ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, खुशबूदार है, मज़ेदार है, लजीज है, मज़ेदार, खाने में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल प्रॉपर ये सर्कुलर फॉर्म में डल गई, बस अब इसे ऐसे पकने दें। चाहे तो थोड़ी सी ऑयलिंग कर लें साइडों से और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें। तो चलिए, बहुत हल्की सी ऑयलिंग कर ली साइडों से, चिपके नहीं, वैसे चिपकता नहीं है, लेकिन हाँ एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है कि ये चिपकेगा बिल्कुल ही नहीं। अब इसे हम क्या करेंगे, ढक के रखेंगे लगभग 2 मिनट के लिए ताकि ऊपर वाली साइड से भी अच्छे से दम ले ले और पके। तो ये हमने ढक दिया, हमें वेट करना होगा। 1-2 मिनट हो चुके हैं लगभग, थोड़ा सा और मुझे ज़रूरत लग रही है।
तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं हटाता हूँ, मैंने लगभग 3 मिनट के लिए रख लिया क्योंकि मैंने आँच ज़्यादा तेज़ नहीं रखी हुई थी। इस साइड से भी अच्छे से पक चुका है। तो अब दोस्तों मेरे को हल्की सी इस पर ऑयलिंग करनी होगी क्योंकि समय पास आ रहा है इसे पलटने का, और हम ये चाहते हैं नीचे वाली साइड से भी अच्छे से करारा हो जाए। ऑयलिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं करी क्योंकि हमारा नॉनस्टिक पैन है, इसलिए हमने कम ही ऑयलिंग करी है। अब फटाफट से क्या करेंगे, एक प्लेट की मदद से मैं इसकी साइड बदलूंगा। पहले चेक कर लेता हूँ, हाँ ये नीचे से पक चुका है इसलिए पैन को अच्छे से छोड़ चुका है। यही गाइडेंस है कि ये पक चुका है कि नहीं, ये नीचे से पैन को छोड़ देता है और अच्छे से स्मूथली हिलता है। लेकिन हाँ, आपको समय अच्छा खासा नीचे देना चाहिए ताकि कच्चा ना रह जाए। ऐसे इसकी बढ़िया तरीके से साइड पलट दी है मैंने, अब इसको मैं उतार लूँगा। ये लीजिए, अब देखिए दोस्तों कितना सुंदर तैयार हुआ है। अब दोस्तों ये हमारा टमाटो पिज़्ज़ा का बेस बनके तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी टमाटो केचप लगा लेते हैं। आपके पास टमाटो केचप ना हो तो पिज़्ज़ा पास्ता केचप लगा सकते हैं, और दोनों ना हो तो इग्नोर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, इससे थोड़ा सा मीठा मीठा टमाटी सा सॉस टेंगी सा फ्लेवर आ जाता है तो वो अच्छा लगता है। बस इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लीजिए पिज़्ज़ा बेस की तरह, और अब दोस्तों इस पर आप अपनी मनचाही चीज़ें ऐड कर लीजिए जो जो आपको टॉपिंग्स में पसंद है। मैं दोस्तों इसमें ढेर सारी चीज़ें ऐड करता हूँ मेरे चॉइस की। मैं इसमें सबसे पहले डालूँगा थोड़ी चीज़ ग्रेट कर लिया आप, चीज़ क्यूब, चीज़ स्लाइस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी डालने का मन हो आप वो ऐड कर सकते हैं। सारा ऑप्शनल होता है, किसी भी टाइप की चीज़ डालें, प्रोसेस चीज़ डालें, अच्छा लगेगा। ये बहुत ही अच्छा है रेसिपी, बच्चों से लेके बड़ों तक घर में सभी इसे लाइक करते हैं। तो अच्छे से हमने चीज़ कर दी। अब आप टॉपिंग में कुछ भी यूज़ करना चाहें, कैप्सिकम, कॉर्न्स, ऑनियन, टमाटो, सोयाबीन, पेपरिका, चिलीज़, जो आपको मन करे वो इसकी टॉपिंग में डालें। मैं फ़िलहाल अनियन टमाटोज पसंद करता हूँ, ग्रीन चिलीज पसंद करता हूँ, तो मैं वो ऐड करूँगा। ये गए हमारे अनियंस, और इसके बाद हमारे थोड़े से टमाटोज। कैसी लग रही है दोस्तों, आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, बताइएगा मुझे। ये बनके बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिखती है, बहुत खाने में मज़ेदार है, लजीज है, और आप एक बार खाएंगे तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इसे बार बार आपके घर में मांगते रहेंगे क्योंकि ये है ही इतनी डिलीशियस। आप थोड़े से इसमें मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा ऑरिगेनो या ग्रीन चिली या फिर रेड चिली फ्लेक्स, जो आपको पसंद हो उनसे इसकी टॉपिंग करें और ढक के रख दें। इससे क्या होगा, ऊपर की पनीर जो हमने चीज़ डाली है वो मेल्ट हो जाएगी और एक बढ़िया सा लुक आ जाएगा, और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त। ये बहुत ही अच्छा सा बनके तैयार हो गया दोस्तों। हम इसे फटाफट से प्लेट में निकाल के पिज़्ज़ा कटर से काट लेते हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, बहुत ही मेहनत करके लिए आपके बहुत ही यूनिक तरीके का पिज़्ज़ा तैयार किया है और